नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ऋषियों की तपोभूमि और भगवान राम का वनवास स्थल चित्रकूट अपने आप में ही अद्भुत और अनोखा है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के सजीव साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक अस्थि समूह पर्वत है, जिसे अस्थियों का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सिद्धा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो यह पर्वत ऋषि महात्माओं के अस्थियों से बना है, जिसका वर्णन रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। अरण्य कांड के अनुसार भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास काल के समय जब सरभंगा आश्रम से आगे बढ़े तो उन्हें हड्डियों का पहाड़ दिखा, जिसे देखकर वह क्रोधित हो उठे। साधुओं से पूछा कि यह क्या है, तब साधुओं ने बताया कि यहाँ एक विराध नाम का राक्षस है, जो ऋषि मुनियों को मार कर खा जाता और बची हुई हड्डियों को फेंक देता है, जिससे यह हड्डियों का पहाड़ निर्मात हो गया है। मुनियों की बात सुन भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और प्रण किया, निश्चर हीन करू मही भुज उठाई प्रण कीन्हा, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाय जाय सुख दीन्हा। अर्थात श्री राम ने प्रण लिया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। उन्होंने विराध नाम के राक्षस का वध किया। स्थानीय लोगों द्वारा अस्थि समूह पर्वत को संरक्षित करने और इसके धार्मिक के महत्व को जान जन तक पहुंचाने के लिए समय समय पर इसके विकास की मांग करते रहे हैं। इसी कारण अब अस्थि समूह पर्वत की चोटी पर भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा करते हुए 5 फीट की प्रतिमा विराजित की गई है। सिद्धा पहाड़ को भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इसे राम पथ गमन के रोड मैप में शामिल किया गया है।